subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. खबर उज्जैन के बड़नगर से, जहां पर डॉक्टर सोलंकी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। उज्जैन अलोट संसदीय क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सागर सोलंकी ने आज शुक्रवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली के रूप में पैदल पहुंचकर नामांकन किया दाखिल। देखिए पूरी खबर तहलका इंडिया न्यूज पर, महेश सोनगरा के साथ। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी से जनता परेशान है। दूसरी बात है किसान भाई, किसान भाइयों के साथ में बहुत शोषण हो रहा है, उसी कारण से किसान एक देश का मेन हिस्सा है, इससे कई लोगों को रोजगार मिलता है। किसान मेन चीज़ रहेगी, बेरोजगारी मेरा मेन उद्देश्य रहेगा कि बेरोजगारी को मैं दूर करूं। दोनों पार्टियों ने तो क्या है कि जनता को एक गुमराह करने का प्रयास किया है, मूर्ख बनाने का प्रयास किया है, लेकिन अपन विकास करने की बात करते हैं और विकास ही करेंगे। इसके लिए प्रयास करूंगा ना, इसके लिए मैंने कई प्लान बना रखे हैं, लेकिन जनता का सभी का आशीर्वाद मिलता है तो वो प्लान सक्सेस भी होंगे और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, सभी समाज वर्ग सभी व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आपने महिलाओं के लिए क्या किस प्रकार के लोग पेंशन दे रही है, कांग्रेस पेंशन दे रही है, आप क्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? मैं महिलाओं के लिए सशक्त बनाने के लिए नियम लागू करवाऊंगा, उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन वो जीतने के बाद होगा। शिप्रा नदी भी एक बड़ा मुद्दा है उज्जैन के लिए, शिप्रा के लिए भी विशेष प्लान बना रखे हैं, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जीतने के बाद में जनता अगर मुझे भरोसा करती है मेरे ऊपर तो मैं खड़ा उतरूंगा उनके ऊपर।